अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं क्यूटी की दाल, जो कि यूपी में बना के खाई जाती है। और इसमें अरहर की दाल और उड़द की दाल, ये दोनों दाल मिक्स करके इसको बनाते हैं। आप चने की दाल भी मिक्स करके इसको बना सकते हैं। अरहर की दाल यानी कि तूर दाल और उड़द दाल दोनों को मिक्स करके बनाइए। क्यूटी की दाल को अरहर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, तीनों दालों को भी मिक्स करके बनाई जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहे। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान तरीका होता है इसको बनाने का। तो चलिए बनाते हैं क्यूटी की दाल। क्यूटी की दाल को हम ये दो दालें मिक्स करके बनाएंगे, जिसमें हमने अरहर की दाल ली है आधी कटोरी और ये उड़द की दाल ली है छिलके वाली आधी कटोरी। तो हम ये दो दालों को मिक्स करके ये दाल बनाएंगे। ये कुकर में हमने आधा लीटर के करीब पानी लिया है। अब हम ये धुली हुई दाल इसमें डाल देंगे। ये मीडियम साइज की हमने प्याज कट कर ली है, हम इसको ये डाल देते हैं। आधा चम्मच इसमें हम हल्दी डाल देते हैं। एक चम्मच के करीब हम इसमें धनिया डालेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च डाल देते हैं। एक चम्मच हमने इसमें नमक लिया है। अब कुकर को हम बंद करके गैस पे चढ़ा देते हैं। अब गैस ऑन कर देते हैं और इसमें करीब दो सीटी लगाते हैं। दो सीटी आ गई है हमारी, अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। तो प्रेशर कुकर की सीटी निकल चुकी है, अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो दाल हमारी अभी हल्की सी अभी रह गई है, ये अभी गली नहीं है। तो हम इसको में थोड़ा सा पानी डाल के इसको खुली पकाएंगे। ये हमारे हिसाब से गाढ़ी है, हमारे यहाँ ये दाल थोड़ी सी पतली खाई जाती है। बस हम इसको एक बॉईल देंगे। अब हम दाल को निकाल लेते हैं। हम इसके तड़के के लिए आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लीजिएगा। ये 4 टेबलस्पून मैंने देसी घी ले लिया है। घी गरम होगा तो हम सबसे पहले डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, लाल मिर्ची, और जैसे ये लाल मिर्च हमारी थोड़ी सी हो जाएगी, ये मीडियम साइज की हमने प्याज ली है, हम ये भी डाल देते हैं इसमें। ये हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा हम ये ऐड कर देते हैं इसमें। ये हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर बारीक काट लिए हैं, अब हम इसको भी ऐड कर देते हैं इसमें। अब जैसे हमारे टमाटर गलने स्टार्ट हो जाते हैं, हम इसमें ये मिर्चें भी तोड़ के डाल देते हैं। अब हम इसमें गरम गरम मसाला डाल देते हैं।